अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम हैं जी करीमाबाद, सॉरी हुसैनाबाद में फाइन आर्ट की जो शॉप्स है वहाँ पर, क्योंकि हर जगह क्रेज़ चल रहा है रेजन 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 रेजन। हम इंस्टाग्राम खोलें रेजन, हम यूट्यूब खोलें रेजन, हम टिकटॉक खोलें रेजन, हम स्नैक वीडियो खोलें रेजन। तो आज मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ सबसे सस्ता और आसान और कम क्वांटिटी में और हमारी मर्ज़ी की क्वांटिटी में रेजन का सामान कहाँ से मिलता है। तो फ्रेंड्स, मेमन फाउंडेशन के सामने जो एक बहुत बड़ी सी गली है जिसके अंदर हर तरह का रेजन का सामान मिल जाता है आपकी मर्ज़ी और पसंद का। मतलब कि अगर आपका बजट कम है तो कम पैसों में भी सामान मिल जाएगा, और अगर आपका बजट ज़्यादा है तो उसमें भी आपको सामान मिल जाएगा। आप उनको जस्ट जाकर बताएं कि हमारा इतना बजट है, लाइक कम से कम भी हमारा 3,000 तक बजट होना चाहिए फुल सामान खरीदने के लिए, क्योंकि रेजन का सामान बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। लेकिन फिर भी ये लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अच्छा सामान दे दें और कम प्राइस में दे दें। फ्रेंड्स, यहाँ पर ना रेजन की भी मुख्तलिफ वैरायटीज़ होती हैं, जैसे कुछ अच्छे रेजन होते हैं, कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन रेजर होते हैं, और कुछ ऐसे होते थोड़े डस्टी टाइप होते हैं। तो रेजन वेरी करता है कि हमें कौन सा चाहिए। कुछ ऐसे रेजन होते हैं जो स्कल्पचर वगैरह में यूज़ होते हैं, तो हम लोगों को उनको जाके बताना है कि हमने की चैन बनाने हैं या हमने कुछ नेकलेस वगैरह बनाने हैं, ज्वेलरी बनानी है या फ्रेम्स बनानी है, कुछ भी। तो हम उनको जाकर बताएंगे पहले कि हमें इतना ये मटेरियल बनाना है, आप इसी के अकॉर्डिंग हमें दे दें। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो एक मैक्सिमम अमाउंट में इन्होंने दी होती है, यानी कि चीज़ें उसके अंदर प्रॉपर बनाकर एक किट उन्होंने रखी होती है कि ये आप ले सकते हैं। इसके जो मोल्ड हैं ना वो सबसे महंगे मिलते हैं। अच्छा, इसमें आपको एक बात बताऊं, अगर आप मोल्ड यहाँ से ना लें, जैसे करीमाबाद से, आप अगर मोल्ड दराज से ले लें और बाकी जो खुला मटेरियल है ना वो आप यहाँ से ले लें, तो आप रहेंगे बिल्कुल फ़ायदे में। अच्छा, इसके अलावा फेविकोल होती है और ग्लू स्टिक होती है। यहाँ पर एक और मज़े की चीज़ आपको बताऊं, यहाँ पर ना ग्लू की कोन्स मिलती हैं। अगर आप नग वगैरह चिपकाना चाहते हैं या कहीं कपड़े के ऊपर पेस्टिंग का काम करना चाहते हैं ना, वो वाली जो कोन होती है स्टिक करने के लिए, इतनी ज़बरदस्त होती है ना, वो आप ले सकते हैं। अच्छा, मोल्ड आपको यहाँ पर दिखा दूँ। मोल्ड ना यहाँ पर काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थे एक दो शॉप्स पे, और बाकी जगह पर काफ़ी हाई प्राइजेस थे। मगर मुझे लगता है कि मोल्ड अगर हम दराज से ले लें, बाकी मटेरियल यहाँ से ले लें तो अच्छा है। अच्छा, ब्रशेस में भी यहाँ पर इनके पास हर तरह की क्वांटिटी और क्वालिटी मिल जाएगी। मतलब अगर आपको बल्क में लेना है या कम लेना है तो वो दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। बनिस्बत इसके मैंने जब विज़िट किया था बोल्टन का, वहाँ पर रेट थोड़े से हाई थे इनकी निस्बत, और इनकी निस्बत दराज पर रेट थोड़े से लो हैं। मतलब फ़र्स्ट ये कि मोल्ड वगैरह दराज से ले लें, अगर दराज से नहीं लेना तो यहाँ से ले लें। तो ये वेरी करता है कि आपको कितनी चीज़ चाहिए। अगर आप इनसे भी बल्क में ले, शायद ये आपको रेट कम कर दें। खैर, यहाँ पर मैं आपको सारे दिखा रही थी कि पेटल्स वगैरह या जो भी हम लोग को मटेरियल चाहिए होता है रेजन वर्क से रिलेटेड, कलर चाहिए होती है, डस्ट चाहिए होती है, जो भी चीज़ चाहिए होती है वो हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती है। उसके अलावा हीट गन मैंने यहाँ पर चेक की थी, काफ़ी अच्छी थी इनके पास क्वालिटी वाइज। और उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं हमारी जो जो इंटरेस्ट रखते हैं ना कि हम लोगों को आर्ट का काम करना चाहिए, कुकिंग करनी चाहिए, बेकिंग करनी चाहिए, उस चीज़ों से रिलेटेड। लेकिन अब मैं आपको एक और जगह लेकर जाती हूँ जहाँ आपको मिलेगा होम डेकोरेशन से रिलेटेड सामान। फ्रेंड्स, आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में मुझे इतना ज़्यादा क्रेज़ चढ़ रहा था डॉल हाउस बनाने का, उससे रिलेटेड चीज़ें बनाने का। तो मुझे ना मिट्टी के बर्तन ही नहीं मिल रहे थे, मैंने इतना ढूंढा ढूंढा ढूंढा, मुझे वो भी नहीं मिल रहे थे। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि वो सारे मुझे कहाँ मिले। उससे पहले हम इस शॉप पर चलकर देखते हैं, यहाँ पर हमें कौड़ी शेल्स, फ्रेम, कैनवस, हर चीज़ मिल जाएगी। मतलब कि अगर आपको क्राफ्ट में दिलचस्पी है या अगर आप रेजन वर्क करना चाहते हैं तो आपको मस्ट विज़िट करना चाहिए एक दफ़ा इस गली का। यहाँ से आपको इतने ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे ना, ये नहीं कि सिर्फ चीज़ें बनाने के लिए, बल्कि हमें ये भी आइडिया मिलेगा कि कौन सी चीज़ कैसे बनानी है, क्या क्या हम उसमें इनोवेशंस कर सकते हैं। वायर वगैरह भी देखें इन्होंने ना स्टूडेंट्स के लिहाज से, क्योंकि ये जो मेमन फाउंडेशन है यहाँ पर इस तरीके का सारा काम सिखाया जाता है, तो वहाँ की स्टूडेंट्स यहाँ से आकर परचेजिंग करती है। तो उन्हीं स्टूडेंट्स को माइंड में रखकर और उनके बजट को माइंड में रखकर यहाँ पर
चीप से चीप इन्होंने प्राइस रखी हुई है। और क्वालिटी तो ऑब्वियसली बात है कि जितना गुड़ उतना मीठा, अगर आप महंगी चीज़ लें तो ज़्यादा अच्छी पड़ेगी, अगर आप सस्ती चीज़ लें तो वो उसी हिसाब से होगी। अब हम चलते हैं उस शॉप पर जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि मुझे मट्टी के बर्तन कहीं नहीं मिले पूरे कराची में, मैंने इतना ढूंढा, वो वाले मट्टी के बर्तन मुझे यहाँ पर नज़र आ गए। तो देखें यहाँ पर हल्के हल्के से घर बने हुए हैं, अगर हमें ये बनाने हैं तो बने बनाए हमारे पास अवेलेबल होंगे। और उसके अलावा डेकोरेशन से रिलेटेड कितना हमें सामान चाहिए वो हमें बस इनको बताना होता है, इतने पीस चाहिए, इतना सामान चाहिए, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होगी। और चीज़ों को अगर हम एक साइड पर रखें है या नहीं है, आप देखें यहाँ पर हमें आइडियाज़ कितने अच्छे मिल रहे हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अगर हमें इतने की यहाँ से मिल रहे हैं तो हम इसके साथ ये करके इसके साथ क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं। आ जाते हैं जी बर्तनों की तरफ, देखें कितना छोटा साइज़ है, एग्जैक्टली उतना ही साइज़ है जितना मैंने खुद बनाया था घर में और जितना मैं ख़रीदना चाह रही थी। और डिफरेंट जो इन्होंने चीज़ें हैं वो बनाई हुई हैं, ये नहीं कि एक चीज़ है, हमारे पास चूल्हा भी है इसमें, थाली भी है, प्लेट भी है, ग्लास भी हैं, जो भी चीज़ हम लोगों को चाहिए छोटे साइज़ में तो वो हमें मिल जाता है। अक्सर ना यूट्यूब पर, एक आपको मज़े का आइडिया देती हूँ, यूट्यूब पर ना अक्सर मिनिएचर की जो वीडियोज़ होती है ना उन पर इतने ज़्यादा मिलियंस तक लाइक्स होते हैं, व्यूज़ होते हैं और लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप लोग यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और मिनिएचर में काम करना चाहते हैं तो वो वाला मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा जो कि नॉर्मल मार्केटों में आपको नहीं मिलेगा। होम डेकोरेशन से रिलेटेड अगर आप आर्टिफिशियल फ्लावर लेना चाहते हैं या डेकोरेशन का कोई भी सामान लेना चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा यहाँ पर। और प्राइस तो ऑब्वियसली बात है काफ़ी रीज़नेबल ही होती हैं। ये वाली शॉप ना अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर खुली है और इनके पास जो जो सामान है बहुत अच्छा है, मैं आपको सारा डिटेल्स दिखाती हूँ। पहले ये वाली शॉप नहीं थी, अभी रिसेंट में इन्होंने बनाई है, लेकिन इनके पास जो मटेरियल होता है ना उसके तो क्या ही कहने हैं। नेटवर्क में ना मिरर यहाँ पर मैंने पता किया था तो 2000 का एक मिल रहा था, जबकि मैंने ऑनलाइन देखा था तो तकरीबन 4500 या 5000 के दरमियान में था, तो यहाँ पर उसके कंपैरेटिवली प्राइस कम थे। और इसके अलावा अगर हमें रेजन की घड़ी बनानी हो या रेजन से रिलेटेड कोई मोल्ड्स वगैरह चाहिए हो वो भी मिल जाते हैं इनके पास, और रेट भी सही है, मुनासिब है, मतलब इतने हाई भी नहीं इतने लो भी नहीं है। और ये वाले मोल्ड ना हमें नॉर्मल नहीं मिलते तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको एक दफ़ा यहाँ का विज़िट करना चाहिए। देखिए मिरर्स की हर तरीके की क्वालिटी यहाँ पर अवेलेबल है, और अगर आप कोई ऑर्डर भी देना चाहे ना तो वो भी ऑर्डर पर तैयार कर देते हैं। जैसे ये ट्रेज हो गई, इनके ऊपर काफ़ी हैंड पेंटिंग भी होती है, तो वो सारा मटेरियल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स मैंने कोशिश की है कि आप लोग के साथ हर चीज़ डिटेल में शेयर कर सकूँ, ऐसी नॉलेज जो आप लोग को चाहिए या ऐसी कोई शॉप्स जो आप लोग को विज़िट करना है उन सारी शॉप्स के हवाले से आप लोग को बता सकूँ। आई होप मेरी ये एफ़र्ट आपको पसंद आई होगी और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इस तरीके की अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करके आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी अच्छा कुछ आप लोग के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट।